किसान बिल है वो सही है या नहीं है? किसान बिल काफ़ी हद तक सही है, मगर किसानों आंदोलन गलत है। वैसे जो किसान आंदोलन नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि सरकार को ये कानून वापस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? सरकार को ये कानून वापस नहीं लेना चाहिए। और सर वो मेरी तरफ से नमस्कार। आज हम आ चुके हैं राजौरी गार्डन, यहाँ पे यूपीएससी का पेपर चल रहा है, तो उनके साथ बच्चों के साथ कुछ पेरेंट्स आए हुए हैं जिनका आज हम किसान बिल पर क्या उनकी राय है जानते हैं, आइए जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार भाई। कहाँ से आए हो सर आप? मैं मथुरा से आया हूँ। किसका पेपर दिलाने आए हो? असिस्टेंट कमांडेंट का। किसका साथ लाए हो? बेटी को। बेटी को। तो जो ये आजकल किसान बिल चल रहा है, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय? इस पर ये राय है कि मोदी साहब को और कृषि मंत्री को किसानों के सामने बातचीत करनी चाहिए और अपने बिल पर जो भी स्पष्टीकरण है वो किसानों को खुलेआम देना चाहिए और लिखित में जो भी किसानों के डाउट्स हैं उस पर लिखित में गारंटी देनी चाहिए। किसानों का MSP फिक्स किया है, उस पर गवर्नमेंट की गारंटी होनी चाहिए कि इतने से नीचे नहीं बिकेगा। अगर उससे नीचे बिकता है तो किसान को सब्सिडी देनी चाहिए, अगर उससे ऊपर बिकता है तो किसान से भले ही टैक्स ले ले। अब इस कानून में जो भी कमियां हैं उनको सुधार कर दिया जाना चाहिए और किसानों को इतनी सर्दी में दिल्ली का भी बड़ा नुकसान हो रहा है, किसान भी बहुत परेशान हैं। किसानों के हित में कोई भी फैसला है वो गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी लेना चाहिए और किसानों को भी समझना चाहिए कि अगर वो लोकसभा से बिल पास हुआ है तो उसका सम्मान करना चाहिए और किसानों को जो त्रुटियां हैं उनको कमियों को दूर करा करके इस आंदोलन को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली और दिल्ली का औद्योगिक क्षेत्र और दिल्ली की जनता सभी त्रस्त हैं। इससे बहुत बड़ा दिल्ली को बड़ा नुकसान हो रहा है। अगर आए दिन इसी प्रकार से बड़े बड़े आंदोलन दिल्ली में होते रहे और दिल्ली को बंधक बनाया गया तो देश की राजधानी और पूरे देश को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होगा और किसानों की समस्याएं जल्दी से जल्दी 2-4 दिन में सुलझा देनी चाहिए। तो इससे दिल्ली की रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या फर्क पड़ा? हाँ, जो आवश्यक वस्तुएं उनकी सप्लाई पे भी असर पड़ता है और दूसरा उसमें भी आपके किसान भाई बहनों का ही सामान है, जैसे दूध है, सब्जियां हैं, वो बिकने आती हैं, उनसे भी जो मार्केट रेट है उस पर दिल्ली में महंगा बिक रहा है और जो दूसरी मंडियों में सस्ता हो रहा है उससे किसान और जनता दोनों पर भी असर पड़ेगा। इसलिए इस मामले को जल्दी से जल्दी सरकार को सुलझाना चाहिए। इसे कुछ राजनीतिक पार्टियां और जो राजनीतिक पार्टियां अपना वो दे रहे हैं इसको, तो उस पर क्या राय है? राजनीतिक पार्टियों के बारे में आंदोलन बनाना चाहते हैं, इसको क्या राय है? राजनीतिक पार्टियों के बारे में भी ये चीज़ें गलत हैं, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों को अगर सहारा देना था तो जब 2.5 से 3 महीने दिल्ली में लॉकडाउन था तो आम पब्लिक और मजदूर वर्ग यहाँ पर कर्मचारी वर्ग फंसा हुआ था, उस समय उनको बैकअप देना था। अभी किसान आंदोलन में बजाय समझाने के उनको उकसाना नहीं चाहिए, इससे कल को अगर बीच में कोई हादसा हो जाता है और आगे कोई दंगा भड़क जाता है, जैसे पहले दिल्ली में 50-100 मौतें हुई थी CNRC के पीछे, ऐसा कोई भी बड़ा दंगा दिल्ली में हो सकता है। किसान बिल है वो सही है या नहीं है? किसान बिल काफ़ी हद तक सही है, मगर किसानों के दिल के अंदर में जो भी दुविधाएँ हैं, जो भी डाउट्स हैं, उनको सरकार को बैठ करके क्लियर करना चाहिए और MSP पर पूरी गारंटी सरकार को लिखित में देनी चाहिए, जिससे किसान की लागत और किसान की मेहनत दोनों ही वसूल हो पाएँ। इसलिए मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी सरकार विपक्ष के साथ बैठ के और सबसे पहले किसानों के साथ बैठ करके उसके डिस्कशन करें और उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक। तो आज हमारे साथ एक भाई हो रहा है जो यहाँ पे पेपर दिलवाने के लिए आए हुए थे, उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या राय है किसान बिल के ऊपर। नमस्कार सर। नमस्कार भाई। कहाँ से आए हो सर? इटावा, यूपी। यूपी से। तो सर ये जो किसान आंदोलन चल रहा है इस पर आपकी क्या राय है? ये किसान आंदोलन गलत है। वैसे जो किसान आंदोलन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति का नियम भी है कि बदलना सही है, बदलाव नहीं लाएंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। और जो कृषि सुधार 3 कानून पारित हुए बिल्कुल सही हैं, इससे क्या हमारे किसान भाइयों को कहीं भी किसी भी राज्य में किसी को भी बेच सकते हैं और इससे कंपटीशन पैदा होगी। कंपटीशन पैदा होने से हम लोग कृषि में जुड़ेंगे और नई फसलें
किस तरीके से करना है, जैसे जैविक कृषि को बढ़ावा भी मिलेगा और हमारा जो कंपटीशन होगा मात्र देश के किसानों से नहीं होगा, वो बाहर के देशों से, चाइना से, उत्तर कोरिया वगैरह कई देशों से है, तो इसलिए कानून बिल्कुल सही है। तो जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये सही है या गलत है, फिर प्रोटेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखो रही बात प्रोटेस्ट की, तो अपनी बात कहने का संविधान में भी दे रखा है, सबको कहने का अधिकार है, सबको दिल्ली आने का अधिकार है, और जो राजनीतिक पार्टी कर रही है वो कहीं किसानों से, जैसे अभी हरियाणा में जो किसान आंदोलनकारी थे उनके ऊपर पानी डाला या और भी जो कुछ किया वो गलत था, दिल्ली बॉर्डर पे भी ये सब किया जो ये गलत है। बात कहने का सबको अधिकार है, तो बात कहनी चाहिए थी, कहने देना चाहिए। तो जो ये बॉर्डर सील हुए हैं दिल्ली के, इससे दिल्ली की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी उस पर क्या असर पड़ा? उससे बहुत ज़्यादा सभी को असर पड़े, जो ऑफिसर ऑफिस जा रहे हैं या अभी यूपीएससी असिस्टेंट कमांडर का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें कई बच्चों के ट्रैफिक की वजह से एग्ज़ाम छूट गए हैं, मेरे कुछ मित्र वगैरह के एग्ज़ाम इसलिए छूट गए हैं क्योंकि इतना ट्रैफिक था, जाम था, जो आंदोलनकारी थे तो उनकी बात सुने, जो प्रावधान कुछ बदल सकते हैं जो हित में हो, सभी के हित में हो वो करना चाहिए। जो कुछ राजनीतिक पार्टियां या फिर कुछ लोग हैं जो इसको खालिस्तान आंदोलन का रूप देना चाहते हैं, सही है या? ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पे राजनीतिक पार्टियों को नहीं किसानों के हित के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पे जैसे पहले जो कांग्रेस सरकार थी उसने भी इस कानून के कुछ प्रावधान लाई थी, तो उनमें ही जो किसान के हित में ही है किया जा रहा है जिससे वो आगे बढ़ सके, कुछ नया कर सके कृषि में। तो आप किसान बिल के समर्थन में आया नहीं? मैं बिल्कुल समर्थन में हूँ, ये कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, ये सभी के हित में है। ठीक है, नमस्कार भाई। नमस्कार भाई। जो ये किसानों के साथ हो रहा है दिल्ली, उनको दिल्ली में घुसने से रोका जा रहा है या फिर उनके ऊपर ठंडे पानी का छिड़काव किया जा रहा है, वो कहाँ तक सही है या गलत है? भाई ये पूरा गलत है, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता हैं और वो खेतों में दिन रात मेहनत करके हमारे लिए अन्न उगाते हैं, हमारे घरों तक पहुँचाते हैं, और इतनी ठंड पड़ रही है उनके ऊपर ये जो पानी छिड़काव किया जा रहा है और भी अत्याचार जो किए जा रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। जो दिल्ली के बॉर्डर सील हुए उनसे दिल्ली की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी उस पर क्या फ़र्क पड़ा? इसके बारे में ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, यही कहूँगा कि ये जो यातायात समस्याएँ ये ज़्यादा उत्पन्न हो गई हैं, बहुत से लोगों को, आम लोगों को परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं, इससे ट्रैफिक पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है बस। तो आपको क्या लगता है कि सरकार को ये कानून वापस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? सरकार को ये कानून वापस नहीं लेना चाहिए और सरकार को इसमें ऐसे सुधार करना चाहिए जो किसानों के हित में हो, सरकार के भी हित में हो, सभी के हित में हो, इससे किसी को ठेस ना हो पहुँचे। तो दोस्तों आज आपने देखा कि हमने आज दिल्ली वालों की किसान आंदोलन को लेकर राय ली, आगे भी ऐसी वीडियो लाते रहेंगे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। जय जवान जय किसान।